हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू माइक्रोब टॉक योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फंजाई की स्टेनिंग को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक निडल, ओके। देन ये एक आप देख सकते हैं क्लीन स्लाइड जो मैंने 70% अल्कोहल से क्लीन किया हुआ है। देन यहाँ पे कुछ हमें पैटरी चाहिए होंगी जिनमें क्या होगी फंगस की कॉलोनी हो पहले से, इलेक्ट्रोफिनॉल कॉटन ब्लू जिससे हम क्या करते हैं फंजाई को स्टेन करते हैं, ओके। ये एक यहाँ पे स्प्रिट लैम्प चाहिए होगा हमें, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे अपनी फोर्सेप एंड नीडल को स्टेरिलाइज करेंगे। देन हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक फोर्सेप, एक कवर स्लिप। तो ये क्या होंगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इसकी, जो हमारे हम स्टेनिंग करने वाले हैं फंजाई की। तो अभी मैं अपने कैमरे को बैक फ्लिप कर देती हूँ और आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। तो अभी मैंने अपना लैम्प ऑन कर लिया है और ये जो मेरी प्लेट, ये जो मेरी स्लाइड है उसको मैंने अपने सामने रख लिया है। अब क्या करना है हमें, वन ड्रॉप स्टेन ले लेना है, कौन सा, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। हम किससे स्टेन करते हैं फंजाई को, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू से। तो ये मैंने क्या किया है, इसको वन ड्रॉप ले लिया है, अपनी जो क्लीन स्लाइड थी मैंने क्लीन की थी 70% अल्कोहल से, ओके। एंड देन मुझे क्या करना है, ये जो मेरी प्लेट है इससे अपनी जो ये फोर्सेप है इसको हीट स्टेरिलाइज करना है और इससे अपनी कॉलोनी को उठा लेना है, पिक करना है, ओके। तो पहले मैं इसको क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर अच्छे से हीट स्टेरिलाइज करेंगे, इससे जो भी इससे पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे। और अब इसको हल्का सा कूल डाउन करूँगी क्योंकि ये जो मीडिया है इसमें अगार पड़ा हुआ है, ये सॉलिडिफाइड मीडिया है। तो ये क्या होगा, यस ये क्या हो सकता है, यस ये मेल्ट हो सकता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एक कॉलोनी ले रही हूँ फंजाई की और इसको क्या करना है, स्टेरिलाइज करनी है अपनी निडल को। उस स्टेरिलाइज नीडल की हेल्प से मैं क्या कर लेना है, इसे मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और क्या करना है, अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। इससे जो भी स्पोर्स होंगे हाइफ होंगे वो क्या होंगे, उनमें अच्छे से स्टेनिंग आ जाएगी और उसमें मिक्स हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट हमें इसको क्या करना है, वापस से हीट स्टेरिलाइज करके रख देना है। और अभी क्या लेनी है हमें, क्लीन कवर स्लिप लेनी है और कवर स्लिप लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्लेस कर देनी है, ओके। तो ये देखिए मेरी कवर स्लिप मैं उठा रही हूँ यहाँ से, देखिए ऐसे पकड़नी है फोर्सेप की हेल्प से, ओके। ये निडल लेनी है और यहाँ पर रखनी है, ओके। बहुत ध्यान से इसकी हेल्प से आपको क्या करेंगे, एयर पोर्स नहीं आनी चाहिए, ये देखिए हल्का सा टीज कर देंगे, इससे जो आपके एयर पोर्स होंगे वो नहीं आएंगे। तो ये मेरी प्लेस हो गई, मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमारी स्लाइड है वो बन गई है विदाउट एयर पोर्स। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, इसको 10x पे देखना है, देन 45x पर माइक्रोस्कोप में प्लेस करके देख लेना है कि हमारी जो फंजाई है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हमने अपनी स्लाइड प्लेस कर दी है एट 10x, ओके। देन मैं इसको देखूंगी 45x पर और इसकी स्ट्रक्चर जो भी होगी कोशिश करूंगी कि आपको दिखा पाऊँ, ओके। तो ये है हमारी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो हमने यहाँ पर लगा दी है, ओके। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी स्टेनिंग करें मास्क जरूर पहने क्योंकि जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हम उन्हें बहुत जल्दी इनहेल कर लेते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिफोर शोइंग यू द इमेज ऑफ माइक्रोस्कोपी, मैं क्या करने वाली हूँ, यस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रिंसिपल, ओके। किसका, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग का, जैसे कि अब तक की वीडियो को देख करके आपको पता ही चल गया होगा जो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू है फंजाई को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है, उसकी माउंटिंग के लिए यूज़ होता है, ओके। अब बात करते हैं कि जो स्टेन है ये बेसिकली क्या वर्किंग क्या होती है, ये बेसिकली फोर कंपोनेंट्स का बना होता है, ओके। पहला लैक्टिक एसिड, देन फिनोल, कॉटन ब्लू एंड ग्लिसरीन, ओके। जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट होता है, वो फंजाई की जो पूरी सेल है उसको क्लीन करने का काम करता है। देन नेक्स्ट आता है फिनोल, फिनोल क्या करता है, फिनोल एज अ फंजीसाइड्स वर्क करता है, फंजीसाइड मतलब फंजाई को किल करने का काम करेगा इस, क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं जैसे कि ग्राम स्टेनिंग में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं डेड सेल को स्टेन करते हैं। एंड ये जो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग है इसमें भी हम क्या करते हैं डेड सेल को ही स्टेन करते हैं, तो जो फिनोल एज अ फंजीसाइड वर्क करेगा। एंड देन कॉटन ब्लू करेगा, ये स्टेन करने का काम करता है जो हमारी फंजाई उसकी सेल वॉल को, जिससे कि जो उसकी स्ट्रक्चर है वो इजीली क्या हो सके, अपेयर हो सके, दिख सके।
ओके, देन ग्लीसरीन। ग्लीसरीन क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट होता है एक तरीके का, ठीक है। ये सेल को क्या करता है, ड्राई होने से बचाता है, जिससे कि हम सेल को इजीली देख सकें। तो अब एक बार इमेज देख लेते हैं हम उसकी, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं, ठीक है। ये म्यूकर की है, ओके। जैसे ये म्यूकर दिख रही है, सिमिलरली ऐसी राइजोबस दिखती है, बस म्यूकर के अगर मैं बात करूँ नॉर्मली स्ट्रक्चर में क्या होती है, ये म्यूकर का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखता है हमें कुछ कुछ, और जो राइजोपस होती है उसमें नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इसलिए उसका नाम क्या है, राइजोपस है, ठीक है। अदरवाइज जो राइजोपस है और म्यूकर है, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही दिखता है। ये एस्परजिलस का स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर मेरी स्टेनिंग वाले नहीं हैं, ओके। ये मैंने इंटरनेट की हेल्प से लिया, आप इंटरनेट पर जा करके बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस भी देख सकते हैं, ओके। देन ये करव्यूलेरिया है, ओके। ये भी एस्परजिलस ही है अगेन, ओके। ये क्या है, ईस्ट है, बडिंग ईस्ट, ओके। तो ये क्या है, बडिंग ईस्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्रोमाइसिस सर्वीएसी, ओके, वो वाला ही है। तो ये देखिए, ये एस्परजिलस का ही है, ओके। अभी इधर वाले जो इमेज मैंने आपको ये एस्परजिलस दिखाया था, ये हाई रेजोल्यूशन में है, ओके। अगर मैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो एस्परजिलस स्टेनिंग के बाद मुझे कैसा दिखाई देगा, सिमिलरली ऐसा ही दिखाई देगा, ओके। सो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल अबाउट लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेनिंग, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, प्रोसीजर बताया। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन। ऑल्सो इफ वॉन्ट टू सी दिस टाइप ऑफ मोर वीडियोज़, सो सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगेन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग टू मी, यू कैन गिव योर सजेशंस इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।